टी ऊपर करो भैया। आज मैं यहाँ 3:30 बजे निज़ामिया तिब्बी कॉलेज आया था। ये यहाँ के स्टूडेंट गुज़िश्ता 42-43 दिनों से अपने क्लासेस के बाद रेगुलर यहाँ पर CAA, NPR और NRC के ताल्लुक से जिद्दोजहद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मेरी या आमद से पुलिस डिपार्टमेंट को बहरहाल DCP और असिस्टेंट कमिश्नर और फिर लोकल सर्कल इंस्पेक्टर को बड़ा एतराज़ है कि आप यहाँ पर समझिए कि कॉलेज में एड्रेस नहीं कर सकते। और खैर, उनके कहने पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ये कॉलेज के समझिए कि बहरहाल प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई है मेरी, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बच्चों के भी समझिए कि बच्चों के इस एहतजाज को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और पुलिस ये चाहती है कि बच्चों का ये जो एहतजाज हो रहा है इसको किसी भी तरह दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और मुख्तलिफ औकात में यहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उनसे पुलिस नंबर ले रही है, उनसे एड्रेसेस ले रही है, उनके नाम ले रही है। तो ये जो हरकत पुलिस कर रही है, अगर एक बच्चे या बच्ची को भी तिब्बिया निज़ामिया कॉलेज के अगर कोई भी समझिए कि तकलीफ होगी, तो मुश्ताक मलिक और जॉइंट एक्शन कमेटी उनके साथ ठहरी हुई है। हम कॉलेज के समझिए कि ग्रेटर इंटरेस्ट की वजह से मैं यहाँ से समझिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आना इन बच्चों की हिमायत और इनके हौसलों को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर समझिए कि कोई तकरीर करूँ, लेकिन ये हैदराबाद में पुलिस का एक जुल्म चल रहा है, और इस जुल्म के खिलाफ परसों सिर्फ एक समझिए कि झलक इतवार को हमने कॉमन कॉल देकर बतलाई है। अगर इस तरह से पुलिस का रवैया इस एजिटेशन को कुचलने का रहा तो इसके नतायज बहुत अलहदा निकलेंगे। पुलिस ये किसके इशारे पर कर रही है मुझे नहीं मालूम, दुनिया समझ रही है कि ये क्या तमाशा हो रहा है हैदराबाद में, ये क्या तमाशा पुलिस कर रही है। पुलिस को इसका समझिए कि दुनिया को सबको अंदाज़ा है। तो बहरहाल यहाँ पर पुलिस इस एजिटेशन को कुचलना चाहती है, ये किसके इशारे पर है वो सब समझिए कि हैदराबाद की आवाम समझ रही है, लेकिन एजिटेशन कुचला नहीं जा सकता। सारी रियासत में एजिटेशन चल रहा है, और मैं भी सारी रियासत में दौरे कर रहा हूँ, लेकिन हैदराबाद में जो तकालीफ पुलिस परमिशन के ताल्लुक से है, एक कॉलेज प्रीमिसेस में आकर मैं बात नहीं कर सकता, तो इससे ज़्यादा और क्या बदबख्ती की बात हो सकती है। बहरहाल हम पुलिस के साथ कॉपरेट करने तैयार है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस के साथ हम कॉपरेट करने तैयार है, पुलिस हमारे साथ कॉपरेट करे। अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो फिर हम आगे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किस तरह से काम हो। लेकिन मैं अपील करूँगा सबसे कि जो NPR शुरू हो रहा है, सेंसस की आड़ में आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, इसका बायकॉट करना है। पुलिस जो आ रही है वो न्यूमरेटर के सिक्योरिटी के लिए आ रही है, आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगी, आपको फॉर्म नहीं भरना है और कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। शुक्रिया। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, डर गया क्या जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मर गया क्या ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हिंजा संसद ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गिरजा सरकार ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, डर गया क्या मर गया क्या मुट्ठी तार के ऊंचा निकले हैं। महिलाएं मांगे आजादी, इंसान
सड़क पर आजादी, मेट्रो में मांगे आजादी, तो पुलिस भी बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, तो हम क्या चाहते आजादी, वो गांधी वाले। भाई यावर